हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. और यू ऑल, आई होप ऑल आर गुड. हैव यू सॉल्व क्वेश्चंस टिल क्वेश्चन नंबर 10? आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व, एंड इफ यू हैव नॉट सॉल्व देन प्लीज सॉल्व. सी, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 20,000 प्लस सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एट द रेट 9% ईच ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स. कितने मंथ्स के लिए है? 3 मंथ्स के लिए. अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सी जी एस टी? बेटा, सी जी एस टी मीन्स सेंट्रल ग्रॉस सर्विस टैक्स एंड एस जी एस टी स्टेट्स जीएसटी. ठीक है, जीएसटी का तो पता ही है, ग्रॉस सर्विस टैक्स. सो वेन एवर गुड्स वर सोल्ड टू बी एंड बिल वॉज क्रिएटेड फॉर 3 मंथ, क्रेडिट पे गई. नाउ ए पेड, बी पेड 3600 बाई चेक एंड एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट फॉर बैलेंस अमाउंट. The draft was endorsed in favor of C, who got the payment on maturity. Give journal in the books of A. देखिए, A की बुक्स में क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द जर्नल एंड क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ ए. तो वॉट विल बी द जर्नल एंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, बी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट सी जी एस टी, टू आउटपुट एस जी एस टी. ओके, देयर वॉज टोटल सेल वॉज 20,000 एंड ऑन 20,000 हाउ दिस 80,000 1800 के 20,000 इंटू 9/100. आप 9% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1800. ओके, सो दिस विल बी द सी जी एस टी आउटपुट. हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, इफ देर इज सेल, अगर सेल हो रही है तो आउटपुट सी जी एस टी लगेगा, अगर परचेस हो रहा है देन इट विल बी इनपुट जी एस टी एंड दैट विल बी डेबिटेड. आपको दोनों लगाने हैं एक बार, सी जी एस टी भी, एस जी एस टी भी. अगर यहाँ पे आई जी एस टी दे रखा होता तो ये दोनों ना लिख करके हम लोग आई जी एस टी लिख देते. ठीक है, देन आफ्टर दैट बिल विल बी क्रिएटेड. सो बिल अकाउंट डेबिट, बी आर डेबिट एंड 3600 चेक से पेमेंट हुआ था, बी आर बैंक डेबिट 3600 टू बी 2360. आफ्टर दैट सी डेबिट 20,000 टू बी एल, बिल रिसीवेबल. सो जब क्योंकि बिल पेमेंट हुआ है ना, स्टेट पे पेमेंट हो जाएगा, राइट? सो टिल हेयर नो डाउन. सी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. मोहन ड्रॉस अ बिल फॉर 1,000 पेबल 2 मंथ्स आफ्टर डेट. Immediately after its acceptance, Mohan sent the bill to his bank for collection. On due date, bank get the payment, make the journal entries. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. मोहन ने एक बिल बनाया कितने मंथ्स के लिए? जगत के ऊपर 2 मंथ्स के लिए. कितने का? 1,000 का. ओके, एंड आफ्टर दैट मोहन सेंड दिस बैंक टू बिल टू बैंक, बैंक में भेज दिया उसने फॉर कलेक्शन, मतलब मनी ड्यू डेट पर कलेक्ट करने के लिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन. ओके, सो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर फॉर्म एट डेट. ऑन द टॉप यू हैव टू राइट बुक्स ऑफ मोहन सिंह पर्टिकुलर
लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हेन द बिल वाज रिसीव्ड, बिल्स एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड, इन दैट केस बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जगत। ओके, एंड आफ्टर दैट बिल सेंट फॉर कलेक्शन। या बिल पहले क्या हो रहा था कि समवन वॉज रिसीविंग द बिल, इन दैट केस बी आर डेबिट टू वो हो जा रहा था। नाउ बिल तो ऑलरेडी बना हुआ है, जो ये है, पहले हमारी ये सेकेंड एंट्री होती थी, जैसे सेल हुई प्रोडक्ट की तो एक्स डेबिट टू सेल्स, देन आफ्टर दैट बिल बी आर डेबिट टू सेल्स। आ रही बात समझ में? बट नाउ बिल वॉज क्रिएटेड, फिर से समझ लो, अगर यहाँ पे सेल हुई होती, गुड्स सोल्ड टू जगत, सॉरी गुड्स सोल्ड टू जगत, तो इसकी एंट्री क्या बनती? जगत डेबिट हो जाता, जगत विल बी डेबिटेड एंड टू सेल्स, बेटे टू सेल्स अकाउंट। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन व्हेन बिल वॉल क्रिएटेड, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू जगत हो जाता। जब ड्यू डेट आती ऑन दैट डेट, हाँ, बैंक डेबिट टू बी आर हो जाता। बट नाउ हेयर तो बिल इज ऑलरेडी क्रिएटेड, सो बी आर अकाउंट डेबिट टू जगत, ये हो गई एंट्री। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा? 1000 का। दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड, राइट? आफ्टर दैट नाउ दैट दिस बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, सो द नेक्स्ट ईयर, राइट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, तो बिल रिसीवेबल एंड अमाउंट विल बी 1000 एंड हियर टू 1000। ओके, देयर विल बी 1000 एंड हियर आल्सो विल बी 1000। नाउ दिस बिल रिसीवेबल नोटिफिकेशन और कलेक्शन, ठीक है, बैंक में से भेजा गया तो जर्नल बनेगा। सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर दैट। आफ्टर दैट नाउ व्हेन ऑन मैच्योरिटी पेमेंट रिसीव्ड बाय बैंक, तो जब पेमेंट रिसीव होगा ड्यू डेट पे, वैसे भी जैसे बिल ड्यू होता था मैच्योरिटी, तो बैंक डेबिट टू बी आर हो जाता था, बट नाउ इट इज रिसीव्ड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय द बैंक, दैट इज वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन बेटा, राइट, एंड अमाउंट विल बी 1000। एंड नाउ कीप इन माइंड डेट्स आर नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट इज वाई देर इज नो नीड टू पुट द डेट एनीवेयर। ओके, डेट्स को पुट करने की जरूरत नहीं है। एंड मेक जर्नल एंट्री इन द ऑल द पार्टीज, तो नेक्स्ट होता है बजट। दीज वर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह। नाउ अनदर वन इज जगत, ठीक है। अब जगत को पेमेंट कौन कर रहा है? हेयर जगत जो है वो तो पेमेंट रिसीव कर रहा है, राइट, एंड पे कौन कर रहा था? पेबल कौन था? मोहन। कौन था? मोहन। ओके, सो नाउ राइट अगेन बुक्स ऑफ जगत, दे पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, नाउ सी बिल ड्रॉन बाय मोहन सिंह वाज एक्सेप्टेड, जो बिल बना था वो बिल एक्सेप्ट कर लीजिए गया मोहन के द्वारा, तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री विल बी मोहन डेबिट टू बिल पेबल, ठीक है,
तो अमाउंट 1000 तो ये लिख दी मैंने। आफ्टर दैट ऑन द मैच्योरिटी व्हेन एवर बिल वाज पेबल, पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके टिल हेयर एनी प्रॉब्लम इज देयर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। एक्स ड्रॉस ऑन अ बिल फॉर 4000 विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई वाई। एक्स ने बिल बनाया वाई पे एंड दैट वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। वाई मेट्स द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट, वाई को ड्यू डेट पे मिल गया। शो हाउ गुड इंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। इफ एक्स रिटेन्स द बिल टिल ड्यू डेट, बी इफ एक्स डिस्काउंट द सेम बिल विद हिज बैंकर पेइंग 100 रुपीज डिस्काउंट, इफ सी इंडोर्सेस द सेम काइंड टू हिज क्रेडिटर जेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। ओके सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ एंड इफ एनीबडी हैव प्रॉब्लम देन बेटर यू कैन मेक अ कॉल फोन कॉल टू मी एंड यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। ओके कीप इन योर माइंड वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग द जर्नल, वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग द ड्यू डेट, दैट शुड बी करेक्ट एज वेल एज इन होम जर्नल यू आर प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री। किसकी बुक्स में आप बना रहे हो एंड जिसके भी बुक्स में आप बना रहे होंगे हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, देयर नेम विल नॉट बी रिटन। उनका अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, उनका नाम कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। ओके सो इज इट क्लियर? नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक ऑल्सो एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन, वन मोर एंड मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।